अगला है पार्ट टू, इसी का है, इसी पार्ट 14 का भाग पार्ट टू है, जो है वायु प्रदूषण। हम समाचारों में प्रायः सुनते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर, के ऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। लोग प्रायः दुख प्रकट करते हैं कि उनके बचपन से लेकर अभी तक की गुणवत्ता में कमी आई है। वायु की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है? इस गुणवत्ता से में परिवर्तन से हमें और दूसरे जीवों को किस प्रकार से प्रभावित होते हैं? जीवाश्मिदा जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा बहुत कम मात्रा होती है। जब ये ईंधन के साथ जलते हैं तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ जलते हैं तथा यह नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। जब ये जलते हैं तो कई प्रकार के ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इन गैसों का केवल सांस के रूप में ही लेना खतरनाक नहीं बल्कि वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा भी करते हैं। ये जो गैसें हैं नाइट्रोजन सल्फर, इनको सांस लेने में भी कठिनाई तो होती है लेकिन खतरनाक तो हैं, लेकिन साथ में जब ये वर्षा के साथ में पानी के साथ में मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं और जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को और बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, निलंबित कण बिना जले कार्बन या कण अथवा पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति में दृश्यता कम कर देती है, जिससे विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित होता है, जिसमें धूम कोहरा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं, धुंध भी होता है और साथ में जल बाष्प के रूप में भी संघनित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धुंध या कोहरा कहते हैं। ये वायु प्रदूषण की ओर संकेत करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि इन पदार्थों वाली वायु में सांस लेने में कैंसर का रोग, हृदय रोग और एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावना अधिक हो जाती है। वायु में स्थित इन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। ये एक प्रकार का खतरनाक भी। और अगला है जल एक अगला है जल एक अद्भुत द्रव है। जल एक क्या है? अद्भुत द्रव है। जल वाष्प के रूप में वायुमंडल भी पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्रों और महासागरों में मिलता है, समुद्र या महासागरों में मिलता है तथा वह जल कैसा है, खारा होता है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पर पाया जाता। शुद्ध जल कहाँ पाया जाता? शुद्ध जल दोनों ध्रुवों पर बर्फ के रूप में ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। भूमिगत जल और नदियों और झीलों और तालाबों का जल भी शुद्ध होता है। फिर भी इस जल की उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। गर्मी में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी होती है। ग्रामीण इलाकों में यहाँ जहाँ जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ लोगों को अधिकतर समय दूर से जल लाने में व्यय होता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जल की आपूर्ति बहुत अधिक होती है, जिसके कारण दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, जिसमें उनका समय अधिकतर व्यस्त होता है। लेकिन जल इतना अधिक आवश्यक क्यों है तथा क्या सभी प्राणियों को जल की आवश्यकता होती है? सभी कोशिकाएं प्रक्रिया जलीय माध्यम से होती हैं। इतनी भी कोशिकाएं प्रक्रियाएं वो सभी जलीय माध्यम से होती हैं। सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती हैं वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती हैं। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में ही किया जाता है या होता है। इसलिए जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। संतुलित बनाए नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होने लगता है, जिससे जल की आपूर्ति होती है और स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता भी पड़ती है, क्योंकि खारे जल में नमक की मात्रा अधिक होती है, जो कि कारण जीवों के शरीर हैं उसमें सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्राणियों और पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल की उपलब्धि स्रोत आवश्यक हैं।
उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों में हम परिणामों को संगत करने के बाद देखते हैं कि जल की मात्रता को उपलब्ध का संबंध पौधों और जंतुओं के प्रकार तथा उनकी संख्या से है, जो एक निश्चित या दिए हुए स्थान में रह सकते हैं। अगर संबंध बताया जाए तो जिस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रकार का जीवन की उपलब्धता पाएंगे वहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। एटलस में वर्षा के पैटर्न वाले मानचित्र देखे गए हैं जिसमें बताया गया है कि किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है और किस राज्य में कम। अनुमान सही या गलत है इसकी जांच करने के लिए हमने किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया है। जल की उपलब्धता प्रत्येक स्पीजिस के वर्ग, प्रत्येक जाति के वर्गों के लिए किया गया है। ये विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के लिए सक्षम है कि संख्या को निर्धारित कर नहीं करती, अपितु यहाँ यह जीवन की विविधताओं को निर्धारित करती। यद्यपि जल की उपलब्धता केवल एक कारक नहीं बल्कि उस क्षेत्र के जीवन के लिए आवश्यक है जिस क्षेत्र में तापमान मिट्टी की प्रकृति में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। लेकिन जल एक महत्वपूर्ण संपदा है जो हमारे जीवन को स्थल रूप से निर्धारित करती रहती है। अगला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे होता है? जल उन कीटनाशकों और उर्वरकों को भी घोल लेता है जिनका उपयोग हम खेतों में करते हैं। बहुत सारे कीटनाशक होते हैं, बहुत सारे उर्वरक होते हैं, रोटले खाद, कीटनाशक, कीड़े मारने वाली दवा। जल क्या करता है? उनको भी घोल लेता है जिनका हम खेतों में उपयोग करते हैं। इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है। हमारे शहर या नगर के नालों का जल और उद्योगों का कचरा भी नदियों तथा झीलों में संग्रहित होता है। कुछ विशेष उद्योगों की बहुत सारी क्रियाओं में शीतलता बनाए रखने के लिए जल का प्रयोग भी किया जाता है। इस प्रकार निष्पादित गर्म जल को जलाशय में वापस लौटा दिया जाता है। जब बांध से जल को छोड़ा जाता है तब नदियों के जल के तापमान में भी प्रभाव पड़ता है। गहरे जलाशयों के अंदर जल सूर्य के द्वारा गर्म ऊपर की सतह से की तुलना में शीतल होता है। ये सभी जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों को विभिन्न प्रकार के प्रभावित करते हैं। ये कुछ जीवों में वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं तो कुछ जीवों को हानि पहुंचा सकते हैं। इस प्रणाली में उपस्थित विभिन्न जीवों के संतुलन को बिगाड़ सकती है। जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा ना उसको अनैच्छिक बोलते हैं, ऐसे पदार्थों का जल में मिलना, ऐसे कीटनाशकी उर्वरक जो हम खेतों में उपयोग करते हैं या कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विषैले पदार्थ जैसे पारा, लवण हो सकता है, ये बीमारी फैलाने वाले जीव हैं जैसे कि हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इच्छित पदार्थों का जलाशय में घटना, घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के लिए के द्वारा उपयोग की जाती है। किसी भी तरह का परिवर्तन जो उस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता उसका जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जलाशयों में अन्य पोषक पदार्थों की कमी होती है जिससे कई प्रकार के जलीय जीव जंतु भी मर जाते हैं। तापमान में परिवर्तन, जब जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं वहाँ एक विशिष्ट प्रकार का तापमान अनुकूलित होता है और उस तापमान में अचानक परिवर्तन आ जाए, या तो कमी हो जाए या फिर वृद्धि हो जाए, तो वह खतरनाक होता है और इस क्रिया में प्रजनन क्रिया को ही प्रभावित कर देता है। जंतुओं के अंडे और लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगला है मृदा में खनिज की प्रचुरता। मृदा एटले मिट्टी। एक क्षेत्र में जीवन को विविधता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण संपदा मिट्टी। लेकिन मृदा क्या चीज है, कैसे बनती है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे बाहरी परत को जिसको भूपरपटी या मिट्टी या मृदा कहा जाता है, इस परत में पाए जाने वाले कई प्रकार के खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन बहुत सारे खनिज बड़े बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होते हैं जो जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। हजारों और लाखों वर्षों के लंबे समय अंतराल से मैं पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर
विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों के द्वारा टूट जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण मृदा है। लेकिन कौन से कारक यह प्रक्रिया करते हैं जिनसे मृदा बनती है? यह सूर्य, जल और जीव और वायु। सूर्य क्या करता है? सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म करता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं, और रात के समय ये पत्थर ठंडे हो जाते हैं जिससे वो संकुचित हो जाते हैं। जब यह क्रिया लगातार चलती रहती है तब पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित और संकुचित हो जाता है। ऐसा बार बार होने से पत्थर में दरार आती है। अंत में ये बड़े बड़े पत्थरों में टूट टूट कर छोटे छोटे कणों में टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। जल, जल क्या करता है? मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। पहला तो सूर्य के ताप से बने पत्थरों में दरार जल जा सकता है। यदि वह जल बाद में जम जाता है तो वह दरार को अधिक चौड़ा कर देता है, जिससे क्या होता है, वो पत्थरों की दरारें अधिक चौड़ी हैं तो पत्थरों में दरार अधिक पड़ेगी, जिससे पत्थर छोटे छोटे या बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे और वो पत्थर एक दूसरे टकराएंगे पानी के कारण, जिससे वो छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं और वो काफ़ी दूर दूर तक स्थान में पाए जाते हैं। वायु, जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे टकराते हैं उसी प्रकार से टूटते हैं, उसी प्रकार तेज हवाओं से ही पत्थरों को भी तोड़ दिया जाता है। जब वायु जल की तरह बालू को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाती है, यही कारण है। वो जीव मृदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे कि लाइकेन, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, पत्थरों की सतह पर भी उगते हैं। इस कम क्रम में भी इकाई पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्ते सतह को चूर्ण के रूप में समान कर देते हैं और मृदा की एक पतली परत निर्माण करते हैं जो दूसरे छोटे पदार्थों को उगने में सक्षम होते हैं। अधिक तोड़ते हैं और बड़े बड़े पेड़ों की मूल कमी कभी कभी पत्थरों में भी दरारें पाड़ देते हैं। मूल हैं जड़, जल भी पत्थरों में दरार पाड़ते हैं जिससे वो दरार चौड़ी होती है, जिससे वो टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में मिल जाते हैं। ह्यूमस ने कहा, ह्यूमन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा, इसके अतिरिक्त मिट्टी के विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं। ये मृदा का प्रकार निर्णय करते हैं कि उसमें किस प्रकार की मृदा है, उसका आकार कैसा है और उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं।